दोस्तों, अगर आपके पास पेटीएम कैशबैक पॉइंट पड़े हुए हैं और आप उन्हें रिडीम करना चाहते हैं, उन्हें यूज में लेना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ में अपने पेटीएम कैशबैक पॉइंट को रिडीम करके दिखाने वाला हूं, उन्हें कैश में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूं। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को जरा भी स्किप कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक्स 44 में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अब आपको हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पेज पर भी मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने पेटीएम कैशबैक पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज को अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैंने पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद दोस्तों, आप यहां पर नीचे की तरफ देखेंगे, लिखा रहेगा कैशबैक एंड ऑफर्स। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ, जहाँ पर मैंने इसे हाईलाइट भी किया हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कैशबैक एंड ऑफर्स वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कैशबैक एंड ऑफर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे जितने भी पॉइंट्स आपके पास पड़े होंगे पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स, वो यहां से आप देख सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मेरे पास जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 2793 पॉइंट्स हैं। अगर मान लीजिए मैं इन्हें कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो किस तरीके से इन्हें रिडीम कर सकता हूं, तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सिंपली इसे रिडीम करने के लिए यहां पर आपको पॉइंट्स के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे आप पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर कई सारी ब्रांड्स आ जाएंगे आपके पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए। आप चाहें तो यहां पर इन ब्रांड्स पर भी अपने पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको थोड़ा सा स्लाइड करना होगा। स्लाइड करने के बाद दोस्तों, आप यहां पर आप देखेंगे लिखा रहेगा कन्वर्ट टू पेटीएम बैलेंस। देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ, जहां पर मैंने इसे हाईलाइट भी किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों, आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहां पर आपको कुछ पेटीएम के गिफ्ट वाउचर भी आपको नजर आ जाएंगे। जैसा कि आप दोस्तों देखिए, ये 10 रुपए का, ये 50 रुपए का है। अगर मान लीजिए इसमें से मैं 1000 अपने पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं इससे पहले वाले को इसमें मैं चूज कर देता हूं। तो दोस्तों, आपको अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें से कोई भी एक चूज कर लेना है। तो मान लीजिए मैं पहले वाले को इसमें चूज करता हूं, तो मैं अपने 1000 कैशबैक पॉइंट्स को सिर्फ रिडीम करना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने फर्स्ट वाले पर कर दिया क्लिक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए मैं अपने 1000 कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम करूंगा तो मुझे सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे पेटीएम बैलेंस में मेरे, जो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आप नीचे की तरफ देखेंगे, लिखा रहेगा अवेल फॉर 1000 पॉइंट्स, यहां पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंफर्म वाले बटन पर कर देना है क्लिक। दोस्तों, जैसे ही आप कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स रिडीम हो जाएंगे। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मैंने अपने 1000 पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम कर लिया है और 1000 कैशबैक पॉइंट्स के बदले मुझे 10 रुपए का पेटीएम गिफ्ट वाउचर मिल चुका है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, कहां कहां आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप अपने पेटीएम कैशबैक गिफ्ट वाउचर से आप अपना मोबाइल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने पेटीएम बैलेंस में इस अमाउंट को देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको व्यू पासबुक पर क्लिक करना है। व्यू पासबुक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देखेंगे यहां पर लिखा रहेगा पेटीएम बैलेंस, यहां से आप इस अमाउंट को आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, यहां पर मेरे पेटीएम बैलेंस में सिर्फ 10 रुपए है और जो मैंने अभी अभी अपने पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज आने वाली है वो पेटीएम से रिलेटेड ही आने वाली है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।